बेटा सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, ठीक है, जिससे आगे की क्लासेस आपको पता चले। और हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना, कंप्लीट हिस्ट्री आपको मैं आज देने वाला हूँ, जैसा कि आज आपकी मैराथन क्लास है, ठीक है, सैटरडे संडे आपकी मैराथन क्लास ही रहती है। तो बिल्कुल फटाक से आप सभी जुड़े, बिल्कुल सचिन आपका स्टूडेंट, बिल्कुल बेटा सभी लोग सेशन को शेयर कर दो फटाक से। चलिए, मैं भी भैया अब आपके दोस्त मित्रों को सभी को कह दूं एक बार, ठीक है, सेशन एक बार शेयर कर दूं। चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, वो मुझे बता देना। बिल्कुल बिल्कुल, जय हिंद बेटा, जय हिंद। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, मुझे को बता देना बस। चलिए एक बार क्लियर कर दिए, क्लियर है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत बेटा, जय श्री राम बेटा, मस्त रहो, मजे में रहो। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े। चलो बिल्कुल तृप्ति, गुड इवनिंग, आइए। बिल्कुल भैया, इन कंप्लीट हिस्ट्री आप देख रहे हो यहाँ पे, सुशांत सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ आप। पीडीएफ पीडीएफ सारी चीज़ें मिलती हैं। ये आपका ऑफर चल रहा है गंभीर वायु के लिए, ठीक है, देन आफ्टर सीरियस ईएपीएफ एफ कैट के लिए भी आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। और आपका रहा भैया एनडीए, तो एनडीए के लिए भी आप 1429 रुपये हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये आपका सबसे पहले मैं एंशियंट हिस्ट्री कराने जा रहा हूँ। एंशियंट हिस्ट्री सभी लोग बढ़िया से करो, ठीक है। क्या आ गया बेटा, चलिए बिल्कुल आ गए, बहुत अच्छे। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था, ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था, बताओ। सचिन बेटा, आप स्पीड में तो बेटा नहीं, जिस हिसाब से चला रहे उसी हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए प्लीज, ठीक है, आराम से क्लास करते जाओ बस। आइए, बिल्कुल सर, ये याद रखिएगा, ये आपका लोथल था, ठीक है। बंदरगाह शहर आपसे पूछा गया तो लोथल था सभी का। बिल्कुल डॉली बेटा, नमस्कार, ठीक है। चलिए, अशरफ लोथल, लोथल अनुज का लोथल, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पतंजलि, कपिल, ठीक है, कुमरिल्ला भट्ट या गौतम। सांख्य दर्शन की बात आपसे पूछी गई, बताओ। बिल्कुल पुनीत, गुड इवनिंग, सभी लोग सेशन को फटाक से, ठीक है, शेयर करते जाइए। निशी, ओके, चलिए, ओके ओके ओके। भैया सेशन शेयर नहीं करोगे, कहोगे फिर सर आप पढ़ाओ सर, कैसे कैसे होगा बेटा, आइए बताइए। बिल्कुल सर, ये आपके कपिल था, ठीक है, कपिल के ये सांख्य दर्शन आपके संबंधित। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है, ठीक है। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, राजा तरंगिणी, दीपवंश, विनय पिटक और इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कल्लड़ द्वारा लिखित है ये, ठीक है। अब बताइए कौन सा है, बताइए। आशुतोष, ओके, ठीक है, अंकित, हेलो बेटा, ठीक है, बाशु, गुड इवनिंग, मुस्कान, सभी लोग मस्त रहिए, आयुष, ठीक है, खुश रहिए बेटा, मस्त रहिए। चलिए, बिल्कुल सर आपको याद है सर, ये रजत रंगड़ी कश्मीर का इतिहास, ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं, दूसरा अकबर किसे कहा जाता है, कोई बता सकता है, दूसरा अकबर किसे कहा जाता है, ये मुझे कोई बता सकता है तो बता दीजिएगा, ठीक है। आइए, चलो, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सामवेद, नॉलेज ऑफ साइंस, ऋग्वेद, नॉलेज ऑफ हाइम्स एंड प्रेजेंस, ठीक है, ये देख लो आप, ऋग्वेद स्मृति के भजन का ज्ञान, अथर्वेद जादू के सूत्रों का ज्ञान, यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्र, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, इनमें से मिलाते जाइए, ठीक है। काजल, गुड इवनिंग, ठीक है, अभी कुकू, गुड इवनिंग, सब लोग मस्त रहो, ठीक है। चलिए आइए, बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल सर ये बिल्कुल बिल्कुल काजल बेटा, सामवेद सर विज्ञान का नहीं है सर, सामवेद में तो आपके जो गाने हैं, ठीक है, संगीत उससे संबंधित है, बिल्कुल अनन्या, गुड इवनिंग। आइए चलिए, शासन काल, ठीक है, आर्थिक नीति, ठीक है, शासन कला है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ ठीक है। आइए चलिए, नीति तथा सैन्य रणनीति की आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है जो संस्कृत में लिखा गया है, इस ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। भाई अब बताइए इनमें से कौन भैया आपके हैं, पॉलिटिकल्स के बारे में इनमें सारी चीजें दी गई हैं, उनकी जो राजनीतिक रणनीति थी वो इनमें बताया गया है, तो ये वैसे भी कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, सब इन्हीं का नाम था, और कौन सा है इनमें से, बताइए। आइए, ओके, अरे मूर्खो, लाइक किया करो, पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, पूरा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, ये आपका अर्थशास्त्र है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेजोलिथिक और मेगालिथिक, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके डाल दिए जाते हैं प्राचीन इतिहास में। आइए,
प्रशांत गुड इवनिंग। ओके चलिए, बिल्कुल सभी का जवाब ए आ रहा है, देखते हैं भाई कौन कौन सही कर रहा है। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत बेटा मस्त रहो। बिल्कुल सर ये आपके पूरा पाषाण काल से संबंधित है आपके। ठीक है चलिए, शुतुरमुर्ग। और आपको पता है शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, 1.5 किलो का इनका अंडा होता है। ठीक है आइए, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र, कहाँ पे स्थित है बताइए। ओके बताइए सभी लोग। सचिन बेटा पहले जय हिंद था, धीरे धीरे हाय पे आ रहे हो। ठीक है चलो और कुछ आइए। बिल्कुल सर ये इनाम गांव कहाँ पे है? सर महाराष्ट्र में है बेटा। ठीक है आइए, तो किसने किसने सही दिया है? डॉली, बाशु, वक्रम, ठीक है अनुज, ठीक है मुस्कान। चलिए काफी लोगों ने सही देने लगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आइए चलिए, डैश को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है, मतलब डैश इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बीड़ाना, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, अलहदिहनु, बताइए बेटा कौन सा इनमें से। बहुत अच्छा किया बेटा आ गए। ओके चलिए, ओके बिल्कुल आइए। चलो बिल्कुल सर ये बिलहाड़ा है। ठीक है, जिन्होंने दिया होगा ऑप्शन नंबर ए, वक्रम ने दिया, बहुत अच्छे वक्रम ने, लग रहा है बहुत अच्छी तैयारी की है। डॉली का भी सही है, तृप्ति भी सही दे रही है, ज्योति भी सही दे रही है, बहुत अच्छे। ठीक है तनु, चलिए काफी कम लोगों ने इसका सही जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने प्रीवियस ईयर पढ़ा है वो खेल गए होंगे। निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। चलो बताइए भाई। ओके 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 चलो बिल्कुल ओके 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 नेक्स्ट आइए। सर ये कादंबरी है, ठीक है कादंबरी आपके बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। ठीक है चलिए, अच्छा हर्षचरित किसके द्वारा ली गई है, कौन बताएगा ये? हर्षचरित किसके द्वारा ली गई है? ठीक है मतलब किसके द्वारा लिखित है, कोई बता सकता है? हर्षचरित की बात में पूछ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है वो भी बाणभट्ट। बिल्कुल जीतू जीतू बेटा बहुत अच्छे आइए। अच्छा मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये किसके द्वारा है? सर ये सब कालिदास द्वारा है, ये भी याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है जो ये एक मूवी देखा होगा ना, एक मूवी आई थी वही देख के बता दिया होगा कि भैया इसका जवाब क्या होगा। आइए ओके, गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है, बहुत अच्छे। आइए चलो बिल्कुल सर ये किस नदी? सिंधु नदी। अरे कम से कम मोहन जोदड़ो मूवी तो देखे हो गया, ऋतिक रोशन की है ना भाई शायद। ठीक है आइए चलिए, मतलब ऋतिक रोशन की मूवी भी नहीं देखे मोहन जोदड़ो, अरे चर्चा तो रहा होगा भैया उस समय। आइए चलो कहानी खत्म है बेटा तुम लोग की। आइए सर, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? मिस्र, मेसोपोटामिया, चीनी या हड़प्पा। ठीक है चीनी मतलब वो नहीं, चाइनीज बताओ। ओके चलो बिल्कुल, आपको पता होगा इधर हमारा सिंधु सभ्यता, तो उधर कहीं पे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी तो चल रही थी। ठीक है तो सर मेसोपोटामियन सभ्यता थी। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है भाई बताओ, कौन से जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है? चौहंदड़ो, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या कोट दिजी बताओ, बताइए भाई। बिल्कुल आइए सर, ये आपका रोपड़ है। ठीक है नेक्स्ट, वेदांग कुल कितने हैं भैया बताओ, वेदांग कितने हैं कुल आपके? 10, 6, 5 या 2, कितने वेदांग हैं भाई? आइए बिल्कुल बिल्कुल ओके, किसी का 5 आ रहा है, किसी का 6 आ रहा है, ठीक है और किसी का, भैया शिक्षा कहाँ से आ रहा है बेटा, बेटा शिक्षा कहाँ दिया है? ले आओ भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल सर ये 6 हैं, ठीक है 6 वेदांग है, अभी सारी चीजें मिल जाएंगी टेंशन ना लो। नेक्स्ट, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है बताइए? वितिस्ता, अस्किनी, शतुद्री या परुश्री, रावी नदी की बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए
ओके, नहीं, कुछ बच्चे क्लास में आते हैं, बस क्या करने जानते हो, देखने की सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सर क्या कर रहे हैं, ठीक है भैया, बड़े कलाकार हैं भैया, बिल्कुल सर परुषड़ी है, ठीक है, सतुद्री सदलस, ठीक है, और जल्दी से बताइए, कोई बता सकता है? अच्छा, ये अस्किनी किसको कहा जाता था? कोई हमारा होनहार बच्चा बताएगा अस्किनी किसको कहा जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैच्योर फेज हड़प्पन साइट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? मांडा, कालीबंगन, चहुंदड़ो या नागेश्वर? बताइए बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छे, चलो बहुत अच्छा, तृप्ति डॉली, ठीक है, आइए, चलो सभी अपना भाई जवाब तो दे रहे हैं भाई, बढ़िया जवाब दे रहे हैं, ठीक है, चलिए सचिन बेटा, पेपर तो जैसे लग रहा हम ही बना के बैठे, आइए भाई, कालीबंगन, आगे बढ़ते, ठीक है, अच्छा, चूड़ियों वाले भी कालीबंगन आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आइए, पुस्तकों या मंडलों में विभाजित ऋग्वेद है कौन सा है, बताइए बताइए भाई, द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इंटू बुक्स और मंडल्स, 34, आपके 10, 8 या 12, बताइए बताओ भाई। चलिए बिल्कुल भैया, अगर हम बात करें ऋग्वेद की बात करें तो सभी को पता है 10 मंडल हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुक्त पिटक का एक भाग है, ठीक है, धम्म संगानी, ठीक है, मज्जिमा निकाय, दीपवंश या मनुस्मृति, बताओ भाई कौन सा सुक्त पिटक का एक भाग है, बताओ। हाँ, 128 आपकी राइम्स से, बहुत अच्छे, ओके तनु, ठीक है, काजल, वेरी गुड, चलिए सचिन बेटा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं तो बेटा अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा थोड़ी ना हूँ, मैं तो बस ऐसे टाइम पास करने आ जाता हूँ, आइए, बिल्कुल सुप्त पिटक का एक भाग है, ठीक है, मज्जिमा निकाय, आपका बेटा काम है सिर्फ क्लास को करना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है, बताइए पुरातात्विक स्थल जो सूरकोटदा है वो किस राज्य में स्थित है, ये बताइए आप, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात, बताइए। इसरो अगर कल कंप्लेन देनी पड़ेगी अंकित, तब बेटा ठीक है भाई, अगर कोई, अगर ये बताओ, मैं तुम्हें क्लास करा रहा हूँ तो मैं इसीलिए तो करा रहा हूँगा कि भाई क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर ही तो करा रहा हूँ बेटा, तो मतलब चांसेस तो हैं, मतलब पेपर में अगर एक बार आ चुका है मतलब ये आने की संभावना है ज़्यादा है, तो ये पूछने की कोई बात ही नहीं थी यार, आइए, बिल्कुल सर आपको पता है ये गुजरात में है, ठीक है, किस पुरातात्विक स्थल से गड्ढों में रहने के साक्ष्य मिलते हैं, मेहरगढ़, बुर्ज होम, राणा ढूंगी और आपका पलाबू, भाई देखो चाहे आपका SSC दो, चाहे FCAT दो, ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो भैया, ये क्वेश्चन आपको ये सब मिल जाएंगे, क्योंकि ये FCAT ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, SSC में भी बहुत बड़े नहीं क्वेश्चन आते, वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है आपका, ठीक है, चलो आइए, बिल्कुल सर ये आपके बुर्ज होम है, ठीक है, अच्छा हाँ, बुर्ज होम में ही आपको शायद आदमी के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिलता है ना, चलिए भाई मुझे बताइएगा, आपको तो पता है मुझे कुछ आता तो है नहीं, ठीक है, तो आप बता देना मुझे, ठीक है, आप चलो जीतू बेटा, बिल्कुल मेरे साथ जीतू, देखो बोला है जवाब, बहुत अच्छे जीतू बेटा, आइए, बुर्ज होम नवपाषाण स्थल में स्थित है, कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए चलो भाई, थोड़ा मोड़ा मुझे पता रहता है बेटा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा मुझे आता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं आता मुझे, आइए, बताइए, चलो ओके, चलिए सिंपल है, जम्मू कश्मीर है, नेक्स्ट, पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल कौन सा है, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, बताइए भाई, चलो ओके ओके, सभी का आ रहा है अपना जवाब, किसी का सिंध, किसी का बलूचिस्तान, ठीक है, अफरोज ने भी बोला है सिंध,
और शमाबाशु सिंध मुस्कान निशी सभी सिंध पे जा रहे हैं। भैया याद रखिएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है नॉट बलूचिस्तान। आइए, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट्स? पंचमढ़ी या हाथनोरा, पाटने या संगान कल्लू? ठीक है, आइए चलो भाई, सभी लोग इसका जवाब दीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी किया करो, ठीक है? इसमें भैया कोई आपका पैसा नहीं लगता, बिल्कुल सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, ठीक है? आइए, सभी का जवाब। अरे सोना सोना बेटा, इतना मेहनत क्यों करती हो, ठीक है? मतलब आइए, बिल्कुल सर ये याद रखिएगा, हाथ नोरा था, ठीक है? सोना बेटा, पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद मत करो, ठीक है? कुछ और काम कर लो, ठीक है? आइए, किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा? आइए, होमो इरेक्टस, ठीक है, हथनोरा। बहुत अच्छे आशुतोष, आशुतोष भी काफी दिन बाद दिख रहा है भाई क्लास में। आइए चलिए, बिल्कुल जुताई वाले प्रमाण भाई मिले हैं तो वो कालीबंगन में मिले हैं, ठीक है? चूड़ियों वाले भी कालीबंगन में ही मिले हैं भाई। आइए, अच्छा एक क्वेश्चन पढ़ लो भाई, मैं थोड़ा सा किनारे हट जाता हूँ, आराम से पढ़ो। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? ठीक है, आइए, कौन सा गलत है पूछा गया है? कि क्षत्रिय या योद्धा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की बाह से हुई थी, वैश्य या फिर आम लोगों की उत्पत्ति पुरुष की कहाँ से हुई थी, ठीक है? तो वैश्य ऑफ द कॉमन केम फ्रॉम द पुरुष थाई था, जांग से हुई थी, ठीक है? जांग से हुई थी, थाई से हुई थी, ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई थी, शूद्र या श्रमिकों तथा नौकरों की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई थी? कौन सा गलत है पूछा गया, ठीक है बेटा? बताइए कौन सा गलत है इनमें से। अच्छा सीजियर आशुतोष, पेपर कैसा गया बेटा? आशुतोष पेपर कैसा गया? मुख से हुई थी किस, अरे जीतू बेटा पूरा बताओगे किसकी मुख से हुई थी? आइए, बिल्कुल सर अगर बात बोले कि सर ब्राह्मण और कान से तो भाई होगी नहीं, ठीक है? तो बिल्कुल ये कान वाला बिल्कुल गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट, वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? ठीक है, व्याकरण, चारा, कल या शिक्षा? बताओ भाई। ब्राह्मण माउथ, ओके वेरी गुड। एवरेज, अरे मतलब 70 क्वेश्चन सही है कि नहीं? पेपर तो काफी आसान आ रहा है, 70 क्वेश्चन तो बेटा सही होने चाहिए थे। आइए बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सभी का जवाब आ गया सर, कल्प था ये, वेरी गुड। आइए, निम्न नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज पुरुषणी इन द वैदिक पीरियड? रावी, चिनाब, सतलज या ब्यास? बताइए, बताओ भाई। वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था भैया, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी इसकी हुई थी, ठीक है? आइए, बिल्कुल सर अगर हम बात करें तो रावी को ही पुरुषणी कहा जाता था, तो जिन्होंने ए ऑप्शन दिया बिल्कुल सही दिया है, ठीक है? आइए नेक्स्ट, राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है? बताइए। पूजा कुमावत, गुड इवनिंग पूजा, बेटा तुम भी जिंदा हो, अभी थोड़ी देर बाद मुझे पता है तुम अभी गायब होने वाली हो, ठीक है? आइए चलिए, बिल्कुल सभी का जवाब है मुंडकोपनिषद, ठीक है? आइए, अच्छा एक क्वेश्चन और, मुंडक उपनिषद एक क्वेश्चन आता है, यम नचिकेता का संवाद कहाँ से लिया गया, मुझे बता सकते हो क्या? ठीक है, हाँ अभी मुझे वो देख लेना, अभी तुम थोड़ी देर बाद तुम ही देख लेना, मुझे तो भैया अनुभव हो चुका है बेटा। यम और नचिकेता वाला संवाद कहां से लिया गया, बता सकता है कोई? कोई बता सकता है? कौन बताने वाला है? देख बताइए। अरे सोच समझ के भैया जवाब दो, सोच समझ के, हे भगवान, ठीक है? कठोपनिषद, अरे सुने हो कठोपनिषद करके, ऐसा कुछ सुना बेटा कि यहू नहीं सुने हो, मतलब तुम लोग को क्या बताया? किसी ने जवाब दिया था, डॉली ने जवाब दिया है, ठीक है? और किसी ने बेटा जवाब नहीं दिया, बिल्कुल तृप्ति दे रही है फिर अतनु, मेरे लिखने के बाद कुछ लोग जब जवाब दे रहे, बताओ कैसे काम चलेगा बेटा, ठीक है? वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है
ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं पूछ भी रहा हूं, वो भी कहीं ना कहीं आया हुआ है, ठीक है? तो कृपया उसको बारीकियों से देखें, ठीक है? आइए चलिए। अरे प्रशांत बेटा, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं ना जो जानते हो, क्लास में रह के देखते हैं कि सर कब दाहिने जा रहे हैं, सर कब बाएं जा रहे हैं, ठीक है, कब सर बोर्ड पे ऐसे घूमेंगे। वो भी तो भैया किसी को चाहिए प्रशांत, तो कुछ लोग वो काम कर रहे हैं। जवाब देखिए क्या होगा। आइए। बिल्कुल सर, वैदिक काल में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था। सर आपके मवेशियों का स्वामी लॉर्ड ऑफ कैटल्स, ठीक है? आइए चलो। तो वो ऐसे बच्चे भी होने जरूरी है ना क्लास में बेटा। आइए। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश के नाम से जाना जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को भैया ज्ञाति, बाली, संहिता, विधाता, बताइए। अच्छा ऐसा भी है क्या वक्रम? चलो सही है। जो जा रहे हैं उनके लिए आमीन एक बार सभी लोग कह दीजिए तो मुझे ठंडक मिल जाएगी। आमीन कह दो, बोलो आमीन, ठीक है? आइए। बिल्कुल सर, ये क्या है? सर ये आपका संहिता है। आइए नेक्स्ट। भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या गुजरात? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ महावीर का जन्म पूछा जा रहा है। आइए आइए। काजल बेटा, आमीन मीन्स कहानी खत्म चल रही है उनकी, ठीक है? आइए चलो। बिल्कुल बहुत अच्छे। ओके ओके बिल्कुल सर, ये आप याद रखिएगा, बिहार में है, कुछ लोग महाराष्ट्र तक दे दिए हैं। पूजा ने देखो भाई महाराष्ट्र दिया है, ठीक है? तो पूजा के लिए आप लोग एक बार आमीन बोल दें, और निशी ने भी महाराष्ट्र दिया है, निशी के लिए भी एक बार आप लोग आमीन बोल सकते हैं। भाई मतलब एक लेवल प्रो है बच्चे, मतलब महाराष्ट्र भी लगा सकते हैं। अब मैं समझ गया बेटा कैसे तुम लोग की कहानी खत्म होती है पेपर में, ये आज अंदाजा मुझे लग रहा है, ठीक है? आइए चलो। एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं, भाई बताइए। उत्तराध्यन, आदि पुराण, महापुराण या कल्पसूत्र, बताओ किसमें ऐसा है? अरे राज बेटा क्यों इतनी मेहनत करते हो, ठीक है? आइए। बिल्कुल बेटा क्यों इतनी मेहनत करते हो राज? तुम्हारे लिए बना है आराम करना, तुम कभी किसी ज्योतिष को दिखाना, मुझे लगता है तुम्हारे जो है कुंडली या भाग्य में ये लिखा होगा कि तुम्हें आराम करना है पूरा जीवन अच्छे से, ठीक है? जिसे कहते हैं ना राजयोग, ठीक है? तो तुम पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है बेटा। आइए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सर, कल्पसूत्र है ये, ठीक है? आइए। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जो जिन शब्द है उनका अर्थ क्या होता है? भगवान, बंधनों से मुक्त, योग्य या विजेता, बताइए। तो राज बेटा तुम रेगुलर कहाँ हो, तुम आधे घंटे डिले करिए बेटा, तुम आधे घंटे लेट चल रहे हो, ठीक है? आइए। अरे नहीं आशुतोष, ऐसा नहीं है। आइए बिल्कुल सर, इसका मतलब होता है विजेता, ठीक है? आइए। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। आइए बताओ भाई, बताओ भैया, देखते हैं हमारे कलाकार सभी डी दे रहे हैं, डी सभी का आ रहा है, हमारे लाल लालियों डी दे रहे हैं। ओके चलिए बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। ये अयोध्या, किसी एक बच्चे ने दिया है अयोध्या, किसने? काजल ने दिया है, ठीक है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है? बहुत अच्छा, मतलब पता नहीं कौन लिख रहा है भाई। अरे बेटा कुछ भी, ओके, डॉली ने दिया है, बहुत अच्छे, वक्रम ने दिया है, ठीक है? क्या बात है भाई, मतलब जबरदस्त, मतलब जबरदस्त, ठीक है? आइए चलिए। तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है? हाँ ठीक है। और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, सतना, विदिशा, सांची या देवास, मतलब बुद्धिज्म इज फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेंस ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन द 3rd सेंचुरी BC एंड द 12th सेंचुरी AD, बताइए। आइए
बताओ भाई। ओके बिल्कुल याद रखिएगा, सांची, सांची का स्तूप आपने जाना होगा, अशोक ने भी आपको पता है ना सांची वाला, ठीक है चलो बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। धौली, धमेक, भरहुत और लाल ललितागिरी। अच्छा एक सचिन नाम का बच्चा आया था मेरी क्लास में, सचिन चौधरी करके, आप लोगों ने भी देखा होगा। वो बच्चे को बस क्लास में ये जानना था कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हो वो पेपर में आएगा, ठीक है, बस वो पूछ लिया और वो चला गया, क्योंकि भैया उसको पूछने से हो सकता है कि उसका काम चल गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं उसको, ठीक है। ओके बहुत अच्छे, बड़े बड़े कलाकार है भाई दुनिया में। चलो सारनाथ बिल्कुल बेटा पास में है, ठीक है बिल्कुल सर, ये धम्मे की स्तूप है, ठीक है याद रखिएगा। आइए हो सकता है उसका इसी से काम चल जाएगा ना बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू या बौद्ध धर्म से, बताइए। ठीक है हो सकता है उसका अब पेपर में सारे क्वेश्चन यही फंस जाएंगे कि जो सर ने पढ़ाया था वो तुम्हारे पेपर में आया कि नहीं, पहला ऑप्शन हाँ, नहीं, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है हो सकता है यही ऑप्शन आ जाए उसके पेपर में, ठीक है। आइए बिल्कुल सर, ये आपके बुद्धिज्म में चार सत्य हैं, ठीक है आइए आइए। चलिए निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है भाई, अब बता दो, वो तो मैंने आपके महावीर स्वामी से पूछ दिया, अब गौतम बुद्ध के जन्म से बता दो आप, बताइए। हाँ कांट डिफाइन भी होगा भाई, सही कह रहे हो, चलो ओके बहुत अच्छे, सभी का जबरदस्त जवाब एकदम भैया जबरदस्त, सेशन को दबा के लाइक करो, ठीक है एकदम मार दो भैया, आपका जो कीबोर्ड वोर्ड सब फूट गया, ठीक है दबा के एकदम लाइक करो, आइए ठोको लाइक। बिल्कुल सर ये लुम्बिनी है, सारनाथ में धम्म चक्र परिवर्तन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पांच शिष्यों को बैठा के इन्होंने शिक्षा दी थी। आइए किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और बिहार का निर्माण किया गया था, द चैत्य एंड बिहार वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉन्क्स ऑफ विच रिलीजन, यहूदी, ईसाई, बौद्ध या हिंदू, कुशीनगर, ओके जिसे कुशीनारा भी कहते हैं, ओके चलिए टेम्पर्ड ब्रेक हो गया, ओके आइए चलिए बिल्कुल बहुत अच्छे सभी का। अरे रुक्षाना बेटा तुम भी तो राजयोग लेके इस धरती पे आई हो, झूठी क्लास कर रही हो, तुम्हारा पूरा जीवन ही ऐसे अच्छा है, ठीक है मेहनत मत करो, ठीक है जैसे राज इस धरती पे आया है पूरा क्या कहते हैं राजयोग लेकर, वैसे तुम भी बेटा इस धरती पर राजयोग ही लेकर आई हो, जो बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है, मध्य, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार, बताइए। चल बताओ भैया, ओके सोना बेटा तुम्हें तो धरती पे भेजा गया है जायजा लेने के लिए कि कौन क्या पढ़ा रहा है, ठीक है कितना पढ़ा रहा है, कितनी देर पढ़ा रहा है, कितने बजे पढ़ा रहा है, तुमको तो धरती पे इसके लिए भेजा गया है, ठीक है भगवान के द्वारा, ठीक है तुम्हें धरती पे इसीलिए भेजा ही गया है, बिल्कुल बिहार। आइए निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था, समुद्रगुप्त, बृहदत्त, अशोक और चंद्रगुप्त, आइए आइए बेटा ये पीके कौन है, आइए चलिए बताइएगा। ओके बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल भैया मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था सर अशोका, किसने बनाया था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं लिख देता हूँ, ठीक है सर किसने दीक्षा दी थी, सर उपगुप्त ने दिया था क्या, बताइएगा उपगुप्त ने दिया था क्या, मुझे बता देना, ठीक है मुझे देखो कुछ आता होता है नहीं। आइए अच्छा समुद्रगुप्त को भैया भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए उड़ीसा में जोगड़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है, बताइए आफ्टर कलिंग वार, बहुत अच्छे आए बिंदुसार और अशोक, ठीक है आइए नादृश को, ठीक है ये जिसे नादिर शाह कहते हैं, आइए चलो बिल्कुल सर गुप्त वंश का शाही अर्धवृत्ताकार प्रेक्षागृह, अशोक का शिला अभिलेख स्थल, मौर्य साम्राज्य का प्राचीन कलाकृति स्थल,
बंगाल के नवाबों का महल, ऐतिहासिक स्थल कौन सा उड़ीसा में जोगढ़ में, सर ये अशोक रॉक इंस्क्रिप्शन साइट है, शिलालेख स्थल है आपके उड़ीसा के जोगढ़ में। अच्छा उड़ीसा में एक चीज़ और मुझे बड़ा फेमस है, भीतर कनिका भी है ठीक है, वहीं पे एक रेस होती है ओलिव रिडले टर्टल की ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। आइए गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी, गंधार कला शैली, हाँ बिल्कुल बताइए भाई गंधार कला शैली। ओके अच्छा आधे बच्चे तो मेरी क्लास में आने से भी सोचते होंगे ना कि भैया अगर भूले भटके 10 दिन बाद भी अगर सर की क्लास में चले गए तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है कोई नहीं बेटा आप, हाँ चलिए आइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपके कौन है, ग्रीस है ठीक है। आइए अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है, गोपुरम मंडपम गर्भगृह या हर्मिका, बताओ बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है कौन सा। आइए राज बेटा ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन बच्चा ठीक है। चलिए बिल्कुल हेलेनिस्टिक स्टाइल, ओके गांधार ग्रीस, गांधार कनिष्का टाइम सिल्क रूट उसी संबंधित था, ओके वेरी गुड। चलिए आइए बिल्कुल सर ये याद रखिएगा, ये हर्मिका है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, चौखंडी धमेक भरहुत या राम भर, बताओ भाई। चलिए आपको ऐसा ऐसा लगता है क्या कि मतलब लूसेंट में क्वेश्चन लग दिया होगा तो वो एसएससी में नहीं आ सकता या वो डिफेंस में नहीं आ सकता, ठीक है मतलब लूसेंट एक बार पढ़ो तो खुद समझ में आ जाएगा, वो जितना तुम्हें छोटा लगता है ना उतना है नहीं बेटा ठीक है, बहुत वास्ट है, तो एक बार उसको पढ़ो तब मुझे बताना कि आपका कोई पेपर ये वनडे एग्जाम जैसा कोई निकल पा रहा है कि नहीं। मेरे तरफ से तो ये गारंटी, अगर आप लूसेंट कंप्लीट पढ़ लेते हो वनडे एग्जाम आप क्लियर कर ले जाओगे, मैं पीसीएस की गारंटी नहीं दूंगा स्टेट पीसीएस की, वनडे एग्जाम के लिए तो मैं तुरंत कहूंगा कि क्लियर हो जाएगा आपको ठीक है। मतलब इतना है कि 25 में से तो आप 22 करके आओगे लूसेंट अगर पढ़ लिए, करंट तैयार हो तो अलग बात है वो ठीक है। आया करो सेशन प्लीज अमित बेटा, पहले तुम रोज क्लास में पहले आया करो, मैं तो बाकी टॉपिक वाइज लेके आऊंगा ठीक है। चलो विवेक गुड इवनिंग, चलिए हाँ जयंत आता है बस सेलेक्टेड आता भैया, जो वो फैक्चुअल क्वेश्चन तो आपके हर एग्जाम में आएंगे पक्का है ये, कॉन्सेप्चुअल पीसीएस और यूपीएससी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डाल देता है बस यही है, मतलब स्टेट पीसीएस ये भरहौती स्तूप है। आइए तीसरी बतिया तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है ये बताइएगा, श्रावस्ती तक्षशिला पाटलिपुत्र या रंगून, बताओ। चलिए बताइए दमेक चौखंडी यूपी, बहुत अच्छा बहुत अच्छे ठीक है आइए वेरी गुड। सर ये याद रखिएगा सर, ये आपके पाटलिपुत्र है, और चौथी सर कनिष्का के टाइम कश्मीर के कुंडलवन में। आइए चलिए निम्न में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था, मगध वैशाली अवंती कोशल, बताइए, राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र एंड आपके कश्मीर कुंडलवन जिसे कहते हैं। बिल्कुल बेटा आइए पार्थी सैनी बेटा, बाबू एक बार जवाब दिया करो मुझे दिखता है ठीक है, मेरी अभी जो आँख की रोशनी है वो बिल्कुल सही है आपकी कृपा से भगवान की कृपा से ठीक है, एक बार देंगे हम समझ जाएंगे बेटा ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आइए बिल्कुल सर ये आपके कौशल है ठीक है, नहीं थी जो छात्र से ईसा पूर्व में मौजूद थी सर, कौशल थी है ठीक है। आइए चलिए कौशल है तो सभी का गलत मुझे दिख रहा है ठीक है, सभी का गलत दिख रहा है मुझे, डी किसी का अभी तक तो दिखा नहीं भाई, मैं एक बार देख लेता हूँ ठीक है, हमारे लाल लालियों में से कोई डी दिया क्या, डी भैया किसी ने नहीं दिया, कहानी खत्म बेटा तुम लोग की। आइए आइए अच्छा ओहो पीछे आंसर दिख गया क्या आपको, चलिए अच्छा देख लीजिए, ज्ञानकुंड चोल या गंगा के विजेता की उपाधि किसने धारण की थी, सर राजेंद्र चोल प्रथम ने की थी ठीक है। आइए चलिए मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक वंश के उत्कृष्ट निशान है, चोल चालुक्य चंदेल पल्लव, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आर फाइन डिनोटेशंस ऑफ द डायनेस्टी,
चोल चालुक्य चंदेल और पल्लव बताइए। ओके आइए। आइए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, सभी का जवाब आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल, ये आपका चंदेल है। ठीक है, ये आपके चंदेल शासक थे। आइए, देवी निशुंभा शूदिनी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, बताइए। पल्लव, चोल, गुप्त या मुक्ता रैयर? बताओ भाई, किसके द्वारा बनवाया गया था? सोच समझ के बताना, अच्छा क्वेश्चन है। और अभी अब आपका मिडिवल शुरू होने वाला है, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद अभी आपका मिडिवल शुरू हो जाएगा। आइए, बिल्कुल सर, ये चोल वंश द्वारा बनवाया गया था, चोल शासकों द्वारा। हर्यक वंश का एक शासक अजात शत्रु का पुत्र था, नागदशक, उदयन, अनिरुद्ध या बिंबिसार? अजात शत्रु का पुत्र था, बताइए भाई। फिर पारखी बेटा लगातार तुम दे रहे हो, पारखी बेटा अगर अब लगातार दिया, ठीक है, तो मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, मुक्ति मिल जाएगी फिर बेटा। ठीक है, लगातार प्लीज मत दीजिए, ठीक है, लगातार देने से ना बाकी कमेंट्स नहीं दिखते, ठीक है, एक ही कमेंट्स बार बार दिखता रहता है। चलिए, बिल्कुल ये याद रखिएगा, ये बेटा आपका बिंबिसार है। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब आपका मिडिवल शुरू होने वाला है, मध्यकालीन। ठीक है, अब आपका मध्यकालीन शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल मध्यकालीन इतिहास आगे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 50 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है, अब ये 51 क्वेश्चन स्टार्ट करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1758, 57, 65 और 64। सबसे आसान क्वेश्चन बताइए, अगर हम आपसे कह दें, एक क्वेश्चन और पूछा था, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आप क्या बताओगे? अगर मैं वांडीवास आपसे पूछ दूं, तो आप क्या बताना चाहोगे, बताइए। अरे मैं वांडीवास, हाँ बिल्कुल राज बेटा, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बैच अभी स्टार्ट होगा, फॉर्म आने दीजिए। ठीक है, चलिए, 1760, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बबलू कुमार बेटा, हाँ आंसर तो इसका सही है, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1757 सभी को पता है प्लासी का युद्ध हुआ, दो तो बताना ही नहीं है। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ था धर्मोपदेश, आदेश, शिष्य या संत? वली शब्द का क्या अर्थ होता था, बताइए। आइए, चलो बिल्कुल सभी लोग बताइए, इसका मतलब क्या होता था, सभी लोग इसका जवाब दीजिए, क्या होता था? चलिए, बिल्कुल सर, इसका मतलब होता था संत। ठीक है, वली का मतलब होता था संत, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है, सचिन। ठीक है, पुनीत, अरे सचिन आ गए क्या तुम बेटा? निशी, ठीक है, अंकित, तनु, तृप्ति, ठीक है, ओके, काफी लोगों ने दिया, बड़ा अच्छा लगा। आइए नेक्स्ट, सर, श्रीरंगपट्टनम डैश किला में स्थित है केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या तमिलनाडु? कहाँ पर स्थित है ये, आइए बताओ भाई। अच्छा, कहाँ गए? अरे भैया, अब हम तुमको कैसे बताएं, चलो ठीक है, जो है बढ़िया ही है। आइए भाई, श्रीरंगपट्टनम किला में स्थित है, बताइए। बिल्कुल याद रखेगा सर, ये आपके कहाँ, ये कर्नाटक में स्थित है, सभी को पता होगा श्रीरंगपट्टनम। आइए, 1757 में डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली थी, कौन सा ऐसा बताइए था? ठीक है, कौन सा ऐसा था? अच्छा, सारा गढ़ी वाली जो है, एक मूवी भी आई थी आई थिंक, जिसमें गाना बड़ा अच्छा था एक, ठीक है, ये सारा गढ़ी का जो युद्ध था, ठीक है, वो कौन सी मूवी थी भाई? बहुत अच्छा मूवी थी एक, ठीक है, अच्छी मूवी थी एक, किसी को नाम याद है क्या? हाँ, केसरी। ओके ठीक है, आइए, बिल्कुल सर, ये तो आपका जवाब है प्लासी, 1757 आपका प्लासी। नेक्स्ट, 1564 में गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए, ठीक है, मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? अवंती बाई, रुद्रम बरा, दुर्गावती या अहिल्या बाई, बताइए। आइए बताइए, चलिए, ड्रीम एयरफोर्स, अच्छा क्यूट शेरनी, अच्छा मतलब क्यूट माने बता, शेरनी भी क्यूट होती है क्या भाई? अपने से नाम रख लिया बच्चा तुमने, खेल गए तुम विशाल। ओके, सभी का सी आ रहा है भाई, देखते हैं, रानी दुर्गावती थी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट,
हाँ, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? भीमबेटका, सासाराम, हम्पी या लेपाक्षी? कौन मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है भाई, बताइए। चलिए चलिए आइए। ओके ओके ओके, सभी लोग ओके। पारखी भी दे रही है जवाब, ओके ठीक है। प्रशांत ठीक है, जीतू सभी दे रहे हैं। आइए, बिल्कुल एक विरासत स्थल है सर, भीम बेटका। आइए नेक्स्ट। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? ठीक है, हवा महल, लेह पैलेस या आपके, ठीक है, मत्तनचेरी पैलेस या आपके मैसूर, बताइए। महाराजा सवाई प्रताप सिंह, चलिए देखते हैं सभी का जा रहा आ रहा जवाब। हवा महल भाई। आइए, बिल्कुल सर ये आपका हवा महल है। नेक्स्ट आते हैं। सफदरगंज का मकबरा एक बगीचे के बीच में स्थापित है, ठीक है, इसे शुजाउद दौला ने डैश में बनवाया था, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली या बिहार, बताओ। चल ओके, सवाई प्रताप सिंह, बहुत अच्छे ठीक है। चलिए चलो भैया, बिल्कुल सर ये आपका दिल्ली में, ठीक है, तो दिल्ली जिनका जवाब है सभी का सही है, सी जिनका है सभी का सही है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है? राणा बहादुर शाह, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, पृथ्वी नारायण शाह, महेंद्र वीर विक्रम शाह देव को, बताइए किसे माना जाता है। चलिए बताइए भाई, पृथ्वी नारायण का जवाब कुछ लोग कह रहा है, ओके ठीक है, सभी का अपना 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 अपना, सभी का शी आने लगा है। आइए सर, पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए संयुक्त किया गया था? इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड विथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया? 1612, ठीक है, थोड़ा सा ये आपका आ जाएगा, मध्यकालीन का भी पोर्शन थोड़ा सा पढ़ाया जाता है कहीं कहीं, ठीक है। आइए चलिए, बिल्कुल सर ये आपका कब है, 1600 ईस्वी में है ये, ठीक है। आइए, अच्छा, निम्न में से किस स्थान पर वाडियार वंश द्वारा शासन किया गया था? वाडियार डायनेस्टी द्वारा शासन किया गया था, सभी के जवाब आ तो रहे हैं ठीक है। ओके, आरती कुमारी बेटा बीच में गायब हो गई थी क्या तू? अफरोज तो लगातार बने हैं, काजल, डॉली, निशी सभी बने हैं, विक्रम का वन आ रहा है, बिल्कुल वाडियार वंश बेटा मैसूर से था, तो वक्रम का सही है, तो अब जीतू का होने लगा, ठीक है, बाशु ठीक है, पुनीत, अब काफी लोग ज्योति ठीक है, बहुत अच्छे, कुछ लोग गलत भी दे रहे थे। आइए चलिए, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासक था? या कर्नाटक, असम, राजस्थान और उड़ीसा, बताइए। अहोम वंश का, अहोम विद्रोह भी आपने सुना होगा। आइए चलिए बताइएगा। ओके अच्छा, होम स्टेट, आइए, बिल्कुल सर ये असम है ये। आइए बिल्कुल, निम्न में से कौन अवध के अंतिम नवाब थे भाई? अब ये सिंपल क्वेश्चन भाई, अंतिम नवाब कौन थे, चल बताओ। ओके, टुडे इज द फर्स्ट डे, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एफ कैट, जीतू तब तो सही है, ठीक है, आपका मान के चलिए कि आज कल प्रीवियस ईयर पेपर होगा, परसों होगा, कल 2021 का पेपर होगा, फिर 14 तारीख के बाद से आपका टॉपिक वाइज लेके मैं चलूंगा, ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है, तैयारी करिए। टॉपिक वाइज मतलब टॉपिक वाइज चलेगा, हिस्ट्री अलग अलग टॉपिक ठीक है, उसके बाद जोग्राफी अलग अलग टॉपिक, क्वेश्चन वहाँ से कराएंगे ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। वाजिद अली शाह है सर ये। नेक्स्ट, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? ठीक है, पुरुषपुर, भाग्यनगर, मछिलीपट्टनम या प्राग ज्योतिषपुर, भाई बताइए भैया, बताइए गुवाहाटी शहर का क्या नाम था भैया, बताओ भैया, अवध के लास्ट। चलिए अच्छा, पूजा आप भी एफकेट की तैयारी कर रही हो क्या? पुनीत तो कर ही रहा है ना बेटा, पुनीत आइए, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल ये क्या है, प्राग ज्योतिषपुर है आपके, ठीक है। नेक्स्ट, चलो 19वीं सदी में मध्य भारत में
सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सतनामी मूवमेंट की शुरुआत हरिदास ठाकुर, केशव चंद सेन, नारायण गुरु या गुरु घासीदास? बताइए। आइए, बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छे, गुवाहाटी प्रागज्योतिषपुर। हाँ, अब आगे बताइए भैया, अगला क्वेश्चन। चलो, बिल्कुल सर, ये गुरु घासीदास थे। ठीक है, चलिए, ओके ओके, मैं देख रहा हूँ सभी के जवाब, कौन धीरे से निकलने का जो प्रयास करेंगे मुझे पता चल जाएगा। भारत की स्वतंत्रता तक की कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया, 11th, 12th, 16th या 10th सेंचुरी? बताइए। चलो, इसमें मैं सभी का जवाब देखना चाहूंगा, कौन क्या दे रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता तक कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया, बताइए। चलिए चलिए, देखो बेटा, ये स्पेशली एफ कैट के लिए है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जीके का क्वेश्चन आपके बाकी एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, सारे एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा वो। ठीक है, ठीक है, एफ कैट को लेके चलेंगे हम लोग, बस ये है 16th सेंचुरी, फोकस हमारा एफ कैट पे ही होगा। ठीक है, बाकी एग्जाम के लिए भी आप तैयारी कर सकते हो, क्वेश्चन थोड़ी ना बदल जाएंगे। कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी डैश में बनी थी, 1765, 27, 72 और 56? बताइए, कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी थी? चलिए, अभी थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है अभी पीछे चल रहा है, अभी मिडिवल में कुछ क्वेश्चन अभी नहीं आए हैं आपके। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं। बासु बेटा, ऐसा नहीं है, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आके सब पॉलिटी ही दे देगा, ज्योग्राफी दे देगा, तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन ही आते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल सर, 1772। आइए, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किसने की थी? विलियम जोन्स, विलियम एडम्स, विलियम वर्ड्सवर्थ या विलियम कैरे? बताओ भाई, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सबसे आसान क्वेश्चन, दुनिया जानती है। सचिन बेटा, तो डाटा गया तो इतने बताने में तुम्हारा और डाटा चला जाएगा। ठीक है, तुम आराम कर लो। ठीक है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बेटा ये क्लास है ही नहीं मेरी, झूठे परेशान हो तुम। आइए, चलिए, विलियम जोन से। ठीक है, आइए, एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद बताओ भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था भाई, ये बताइएगा। चलिए, बिल्कुल सर, ये याद रखिएगा सर, ये रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, मरुपंत तांबे, ठीक है, हाँ, मरुपंत तांबे तथा भगीरथी सप्रे की बेटी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी, बताया किसके? अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, राजमाता गायत्री देवी या जीजाबाई? बताइए, सभी लोग जवाब दें इसका। ओके, अच्छा, किया है सचिन, तब ठीक है बेटा, चलो बढ़िया है, तब बढ़िया है। आइए, बिल्कुल सर, ये रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, तो जिन्होंने भैया ऑप्शन नंबर ए सभी दे रहे हैं, तृप्ति ने बी दिया है। ठीक है, ओके, और कोई? डॉली ने भी दे रहा है बी, ठीक है, प्रशांत भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे। तो भैया जो प्रीवियस ईयर करेगा वो आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? भैया पाकिस्तान के किस शहर को पेशावर, मुल्तान, कराची या लाहौर? बताओ। चलो, प्रीवियस ईयर जो नहीं करेगा कहानी उसकी वैसे भी खत्म है। ठीक है, चलिए, अरे रेयान, आप भी तो भाई, आप भी तो आए हैं भैया राजयोग लेकर। ठीक है, झूठे क्लास करते हो तुम भी। आइए, बिल्कुल आपका लाहौर है ये। आइए, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना? रेयान का एक बहुत ही पेटेंट काम है, ये ग्रुप से जुड़ेगा, लेफ्ट होगा, फिर जुड़ेगा, फिर लेफ्ट होगा, रेयान का ये एक फेमस काम है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल याद रखिएगा, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? सर ये कर्नाटक में स्थित है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए, अच्छा, कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ द वैष्णव सेक्ट ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी? जयदेव, घासीदास, रायदास या शंकर देव? ठीक है, आइए, चलिए, हरियर बुक्का तुंगभद्रा, बिल्कुल बेटा, आइए, चलिए, बताइएगा। चलिए,
चलिए आइए। बिल्कुल सर, ये आपके कौन थे? शंकर देव थे ये। आइए। अच्छा, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म सही है? मार्को पोलो मोरक्को से, ठीक है। अच्छा, अलबरूनी तुर्की, फ्रांसवा बर्नियर स्पेन, दुर्वातो बारबोशा पुर्तगाल, कौन सा पूछा गया है यहाँ पे? हाँ सही है, बताइए, करेक्ट है। आइए आइए, चलिए बताइएगा। चलिए, ओके ओके, बिल्कुल। आइए सर, ये आपके दुर्वाते बारबोशा हैं पुर्तगाल के, ठीक है। ये इनकरेक्ट पूछा गया था आपसे ना, क्या पूछा गया था आपसे? पूछा गया था करेक्ट। हाँ ठीक, चलिए। बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? भाई सिंपल क्वेश्चन है, बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? ये स्टैटिक जीके का भी आपका क्वेश्चन बनता है, चलिए बताइएगा। चल देखते हैं इसका किसका किसका जवाब आ रहा है। ए आ रहा है, सभी का आने लगा, ठीक है, ओके। चलिए, सभी का आया, किसी का जवाब बदला नहीं क्या? भाई बड़े अच्छे हो, बड़े समझदार हो बेटा। आइए, आपके कौन है? मध्य प्रदेश है ये। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। चलो, वजी अहमद, ओके ओके, रागिनी वजी, वेरी गुड, एमपी। आइए नेक्स्ट। साम्राज्यवाद पूर्व की अवधि में कैकिलो के नाम किसे जाना जाता था? ठीक है, कैलिको के नाम से किसे जाना जाता था? कोयला, चावल, लोहा या कपास? भाई क्वेश्चन बढ़िया है कि नहीं ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बढ़िया है सारे क्वेश्चन। चलिए चलिए बताइएगा। बिल्कुल सर, ये कपास को जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आराम से पढ़िए, मैं किनारे हो जाता हूँ। कौन सा विकल्प बेटा सही है, ये पूछा गया है, ठीक है। आइए, पूछा गया है, मुंशी उसे कहा जाता था जो अरबी पढ़ लिख और सीख सकता था। अच्छा ठीक है। भित्ति चित्र हैंगिंग रॉक पेंटिंग है, गुल फरोशन फूलों का त्योहार है, औरंग एक प्रकार की घोड़ा गाड़ी थी, बताए कौन सा विकल्प सही है, पूछा गया है आपसे। आराम से पढ़िए। आइए, एक नंबर क्वेश्चन सर आप, अच्छा मेरे जैसे, तब ठीक है बेटा, आइए बताइएगा। बिल्कुल पुनीत, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, सभी हैं एफ कैट के हैं, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चन बाय डिफेंस के, बाकी एग्जाम के, जैसे CDS का हो गया, ठीक है, CAPF का हो गया, वो भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ। आइए, बिल्कुल भैया आपको पता है, विकल्प सही है, पूछा गया है, गुल फरोशन फूलों का त्योहार था बेटा, नाम ही है भाई गुल फरोशन। आइए, कौन सा स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाता है, रॉक कट पिलर्स को दर्शाता है, ठीक है, रॉक कट पिलर्स को दर्शाता है, ठीक है, एकेमेनियन पिलर या गोथिक मौर या फारसी स्तंभ, बताइए कौन सा इनमें से है। आइए चलिए बताइए, रॉक कट, सिंपल सा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिल्कुल सही बताओगे। बिल्कुल, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, बहुत अच्छे, रॉक कट पिलर्स, मोरियन पिलर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। बिल्कुल सर, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? गोवा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं, बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, सभी जवाब आ रहा है, विवेक, प्रशांत, तनु, काजल, बाशु, अंकित, डॉली, वक्रम, तृप्ति, पूजा, ठीक है, रयान, ज्योति, मुस्कान, जीतू, अनुज, ओके वेरी गुड, निशा, बहुत अच्छे सर, ये आपके महाराष्ट्र हैं, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना सर, किधर जा रहे हैं, दाहिने जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, वो भी देखने वाले होंगे, ठीक है। आइए, चलो बेटा, भगवान करे सभी का कल्याण हो। आइए, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव डैस के अनुयायी थे, ठीक है, बसवन्ना, अंदल, रामानुज या कराईकल अम्मैया, नाम कितना खतरनाक है भाई, ठीक है। आइए चलिए बताओ भाई, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो ओके, बिल्कुल याद रखिएगा सर, 12वीं कर्नाटक वीर शैव सर कौन ये सर? बसवन्ना थे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्य कट्टा बोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे?
बताइए भैया, वीर पांडे कट्टा बोमन किस राज्य से थे? आओ भाई बताओ, चलो बताइए। चलो बेटा जवाब तुम्हारे, देख रहे हैं क्या तुम्हारा हालचाल चल रहा है। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो, उसका पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आइए। बिल्कुल याद रखिएगा सर, ये आपके तमिलनाडु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है भाई? अलाई दरवाजा तंजावुर, ताजमहल मेरठ, गोलकुंडा किला हैदराबाद, लाल किला जयपुर। अब भाई अब इसके लिए बताओ क्या कहा जाए, अब देखते हैं ये कौन हमारे लाल लाली सही देते हैं जवाब। मैं देखते हैं कौन लाल लाली इसका जवाब सही देते हैं भाई। आइए चलिए, सी सी विवेक, ओके, डॉली, काजल, प्रशांत, बाशु, पुनीत, ठीक है बहुत अच्छे, तृप्ति, जीतू, तनु, राठी, निशी, संचित, ठीक है ओके, मुस्कान, से सभी का मतलब सही है, वक्रम, अफरोज, ज्योति, आइए, तनु, राठी। देखो बिल्कुल भाई जाहिर सी बात है, गोलकुंडा वाला तो बिल्कुल सही है सर, ये सर ताजमहल मेरठ में कब से आ गया मुझे तो नहीं पता भाई। ठीक है आइए, चलो लाल किला भाई कब आगरा से उधर चला गया मुझे ये नहीं पता, दिल्ली वाला भी उधर चला गया। आइए लाल किला, अब कहोगे सर ये तो कहाँ पे है कहाँ पे है, बिल्कुल ठीक है, दिल्ली वाला कब चला गया जयपुर मुझे नहीं पता चला भाई। आइए, अमुक्त मर्यादा का लेखक किसने लिखा है बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है आइए, एक आपको याद है, एक आगरा में फतेहपुर सीकरी में भी लाल किला है, क्या किसी ने सुना है कभी, इसको पढ़ा है कभी? आइए आइए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल भैया, इनका एक नाम आपको पता है, इनको कहते हैं आंध्र भोज भी कहा जाता है, मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, कृष्ण देव राया को इनको बेटा आंध्र भोज कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आंध्र भोज कहा जाता है इनको, ठीक है ये याद रख लेना छोटा सा। चलिए, इनमें पॉलिटिकल इनके जो है सारी चीजें लिखी गई हैं। नेक्स्ट, मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में डैश के रूप में जाना जाता है, अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, जोधाबाई या रानी पद्मिनी, बताओ। चलो तो ज्योति नींद आ रही है, अब बेटा कोई सुलाने आएगा तो नहीं, जाके सो जाओ, तो उसके लिए बताओ क्या किया जाए। ठीक है आइए चलिए, बिल्कुल आगे बढ़िए। बिल्कुल भैया मणिकर्णिका सर रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, और इनका जन्म स्थान आपको पता वाराणसी में है। ठीक है, ताजमहल में गए मैं गया हूँ, अरे पुनीत बेटा ऐसा कौन सी नई बात बताए भाई। ठीक है, ताजमहल में तो हमको लगता है बहुत से लोग गए होंगे। आइए चलिए, लगभग 600 साल तक गुमनाम रहने के बाद किस वर्ष सांची की खोज की गई थी? 1818, 1816, 20 या 1814, बताइए। चलिए, घाट वाराणसी बीटो, जिसको बेटा सभी को मुक्ति बेटा जीतू वहीं मिलती है। ठीक है आइए चलिए, बिल्कुल सर ये आपके कब, सर ये 1818 में। नेक्स्ट, डैश का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है, इलाहाबाद, आगरा, बीजापुर और दिल्ली, कहाँ पे बताओ। चलिए सभी बताइएगा बेटा, 80 घाट पे तो नहीं है भाई, ठीक है आपका सब मिला के मणिकर्णिका घाट पे ही मिलती है। आइए चलिए, बिल्कुल सर ये आपका बीजापुर है। ठीक है आइए, अच्छा तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे भाई? ठीक है, जॉन मैकफर्सन, ठीक है, अल कार्नवालिस द्वितीय, ठीक है दूसरा जॉन सोर या वॉरेन हेस्टिंग, कौन थे भैया तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय? ठीक है क्या हुआ, ठीक है बीजापुर क्या हुआ वक्रम, मैं समझा नहीं। चलिए बिल्कुल सर ये कौन थे, सर ये बहुत, अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों का जवाब आ रहा है सी आ रहा है, ओके ओके ओके, जिन्होंने ऑप्शन नंबर भैया सेकंड अर्ल कॉर्नवालिस थे बच्चा, ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है, जैसे आपके तृप्ति हो गई, डॉली हो गई, ठीक है और कौन कौन है भाई, काजल हो गई, ठीक है अंकित, ठीक है मतलब आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, शिवाजी महाराज के समय मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता था, अग्रहारम, अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान या नवरत्न, बताइए।
भैया अभी तो वक्रम भाई करंट आप लोग पढ़ा करो भाई, करंट देखो भैया हम बहुत दूर रहते हैं। आइए चलिए, बिल्कुल आइए बिल्कुल सर, ये किसी का आया था सर, अष्ट प्रधान, ठीक है याद रखिएगा। चलो, किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था? 1510, 1540, 1610, 1475। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था भाई। आइए चलिए बताओ। चलिए, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय। आइए, बिल्कुल याद रखिएगा सर, 1510, ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था 1510 में। आइए, अच्छा, मुगल न्याय के इतिहास को किस भाषा में लिखा जाता है? मुगल न्याय के इतिहास को संस्कृत, हिंदी, फारसी या उर्दू? अब आप लोग फंसोगे दो ऑप्शन में, सी और डी, बताइए। बेटा लाल जी सिंह, ये तो लाल जी टंडन थे, लाल जी सिंह तो बहुत पहले वो हुआ करते थे यार, मुझे लगता है चांसलर थे क्या बीएचयू के, ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा जैसे लग रहा है बेटा हम पूरे बनारस शहर को जानते हैं क्या, गजब गजब कलाकार बच्चे हैं भाई। आइए सर, ये फारसी है, ठीक है, सभी लोग गलत, अरे नहीं सही किए यार, बड़े कलाकार हो भाई, बच्चे बच्चे बड़े कलाकार हैं हमारे सब। आइए, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? बीदर, श्रीरंगपट्टनम, मदुरै, बेंगलोर। आइए चलिए बताइए, बिल्कुल बताइएगा भैया बताइए, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, बीदर, श्रीरंगपट्टनम, भाई जाहिर सी बात है सर ये कहाँ पे थी, श्रीरंगपट्टनम, और यहाँ की संधि भी आप नाम सुने होंगे। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से थे? वेनिस, ज्यूरिख, इस्तांबुल या पेरिस, बताओ। चलो, टीपू सुल्तान, ओके, चलिए बिल्कुल सर याद रखेगा, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो, सर याद का वेनिस। नेक्स्ट आते हैं, भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्न में से कौन से थे? ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, दुर्वातो डी मैनेजस, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या लोपू सोरेस डी अल्बुकर्क, ठीक है सॉरी अल्बेगारिया। चलिए ओके ओके, चलिए, भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? सिंपल सी बात है सर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? राव जोधा, राव चंदा, राणा कुंभा या मालदेव, ठीक है। अच्छा, कल जो आपकी रात की 9 बजे वाली क्लास है, ठीक है, उसका मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ, कल बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर कर रहे हैं वो दे सकते हैं, कल मैं आपके टॉप 100 गवर्नमेंट स्कीम कराने वाला हूँ, ठीक है, टॉप 100 गवर्नमेंट स्कीम कराने वाला हूँ, तो आप ये कर सकते हैं रात 9 बजे वाली क्लास में। सरकारी योजनाएं जितनी हैं आपकी, ठीक है, वो मैं 100 क्वेश्चन उस पर कराऊंगा, तो आप तैयार करके आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आपकी थोड़ी सी भी इच्छा हो तो। बिल्कुल सर, राणा कुंभा थे ये। आइए, कलिंजर किला जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, वह स्थित था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या सिंध, कहाँ पे स्थित था बताइए। मैं आ रही हूँ सर। पूजा बेटा कहाँ आ रही हो बेटा, रहने दो, काफी रात हो गया, कहाँ घूमने टहलने आओगी, ठीक है आइए। चलिए सर, प्लीज गेम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस बताया, एफ कैट में ज्यादा आते हैं। जित्तू बेटा मैंने ये क्लास करा रखी है, आप पीछे की क्लास में जाएं, ठीक है, आई थिंक मैंने वो अग्निवीर बैच में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन करा रखे हैं, आप जाके वो देख लें, ठीक है, मैंने करा रखे हैं, ठीक है आइए। सर इसका क्या हुआ, एमपी भी था मतलब बेटा। चलिए, लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरू की जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यह दावा करती थी कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है तथा इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की शक्ति से अधिक है। सर्वोपरि की नीति, व्यापगत के सिद्धांत, साम्राज्यवादी सिद्धांत या सरकारी भंडार नीति, आइए। ठीक है,
आइए, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं तृप्ति, कोई नहीं, आइए बताइए। ठीक है, मैं करा रखा हूँ जीतू बेटा, एक बार आप जाके देख लीजिएगा, क्लासेस आपकी हो चुकी है वो। ठीक है, सर्वोपरि जाता की नीति, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल पैरामाउंटेंसी, वेरी गुड। चलिए, किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में हस्तांतरित किया गया था? इन विच ईयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया वॉज ट्रांसफर इन टू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया? सिंपल सा आंसर है, सर आंसर नंबर पर 1858 आपका जवाब हो गया। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? 17, 6, 23 और 11। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था। ठीक है, आइए बताइएगा। बिल्कुल सभी को पता होगा, तनु बेटा लाइव आ जाओ, पीछे चल रही हो आप। ठीक है, तनु राठी, ठीक है, चलिए ओके, आगे आ जाइए। बिल्कुल आपका क्या है सर, 1911, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर, मुर्शीद कुली खां, सिराजुद्दौला या सुजान खानी? बताइए। कैपिटल दिल्ली किया गया था, बहुत अच्छे। आइए, अरे भाई जिंदा जिंदा लोग कहाँ जाने लगे भाई, आइए। बिल्कुल सर, ये सिराजुद्दौला थे। 1498 में किस खोजकर्ता ने भारत तक एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? थॉमस कोरियाट, मैगस्थनीस, मार्को पोलो या वास्को डिगामा? बताइए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, समय नष्ट नहीं करेंगे, वास्को डिगामा है। नेक्स्ट, किसने पहली बार भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ठीक है, अभी शायद ये कल क्वेश्चन मैंने कराया था, ये बताइए। आइए बताइए, बिल्कुल कल ये चर्चा साथ हुई थी, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था। ठीक है सर, चार्ल्स विल्किंस थे। ठीक है, कल ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था। ठीक है नेक्स्ट, अच्छा अब ये आपका मॉडर्न शुरू करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बिल्कुल आप ले सकते हैं, ऑफर भी चल रहा है आपका। ठीक है, तो ये ऑफर का फायदा उठाएं और मस्त रहें। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस अब स्टार्ट करने में जा रहा हूँ। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन लगाइए। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। चलिए भैया, 1906 में कलकत्ता में, अब यहाँ पे आइए, कुछ चीजें मैं बता दूंगा आपसे जो बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पहले सभी के जवाब देख लूँ। ओके ओके ओके, देखिए 1886, 1893 और 1906, ठीक है याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा 1906 में अगर हम आपसे कहें तो आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो सर ये आपके कौन है, दादा भाई नौरोजी है। हाँ बिल्कुल, मैंने बता दिया बेटा। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन था। ठीक है, कौन लिखा है, अच्छा आइए बिल्कुल चलिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? भाई सिंपल क्वेश्चन है, अबुल कलाम आजाद या बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी? ठीक है बताइए, अच्छा क्वेश्चन है सर। क्लास 11 PM तक है बेटा, उसके पहले खत्म हो जाएगा, उसके पहले बेटा खत्म हो जाएगी क्लास। आई थिंक मुझे लगता है कि क्लास 10:30 तक, 10:35-40 तक जाएगी। ठीक है, मतलब आधे घंटे और चलेगी क्लास। ठीक है, क्योंकि आपके 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए सर, बिल्कुल दादा भाई नरोजी जी हैं। आइए नेक्स्ट, भैया एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन मैं तब करूँगा जब मैं सिर्फ गांधी युग लेके आऊँगा या इंडियन नेशनल मूवमेंट का अगले हफ्ते मैं लेके आऊँगा, तो एक एक क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, टेंशन न लीजिए। चलिए आइए, भारत का राष्ट्रगान जनगणमन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दैस अधिवेशन में गाया गया था? मैं आपको कुछ क्वेश्चन, आप बताते रहिए तब तक मैं कुछ क्वेश्चन बता दूं जो आपका, देखो जनगणमन है ना बेटा। ठीक है, ये अगर आप शॉर्ट में गाते हो, ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में गाना चाहते हो तो ये आपका 20 सेकेंड है। ठीक है, लेकिन अगर यही आप इसको लॉन्ग में गाना चाहते हो ना, तो ये आपका 52 सेकेंड में गाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है चलिए आइए, बिल्कुल सर ये आपके कौन है सर, ये कलकत्ता है। नेक्स्ट,
1929 में लाहौर शहर में वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष को चुना गया था 1929 के लाहौर शहर में। आइए सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको पता है यहीं पे भैया झंडा भी फहराया गया था रावी नदी के किनारे, सभी को याद भी होना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है बताइए। बिल्कुल सर, ये कौन थे? सर ये आपके जवाहरलाल नेहरू थे, रावी नदी के किनारे झंडा फहराए थे, ये सबसे पहले ये याद होगा आपको। ठीक है आइए चलिए, निम्न में से किसे कैदे आजम के नाम की उपाधि प्रदान है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या मोहम्मद अली जिन्ना? कायदे आजम बताओ। चलो चलो थोड़ा सा फटाक से सभी लोग सही जवाब दीजिए, अच्छा लगता है जब आप सही देते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है अंदर से। चलो आइए, बिल्कुल ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्हें कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे? लखनऊ समझौता भैया, लखनऊ पैक्ट, जब आपके कौन सर, आपके जो नरम दल और गरम दल जो साथ में अलग हुए थे वो आके जुड़ गए थे, आपके कब जुड़े थे ये आपको बताना है, सभी लोग बताइए। चलिए ओके ओके, काजल बेटा 1906 कैसे? काजल बच्चा 1906 कैसे? बेटा तनु मेरी क्लास की पीडीएफ, रुको मैं लिख देता हूँ बच्चा, घबराओ बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, आप सभी लोग जिनको पीडीएफ चाहिए यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है सुशांत सर, टेक्स्ट बुक आप यहाँ पे जुड़ जाएं, ठीक है, और आप वहाँ पे ज्वाइन होंगे जहाँ पे लमसम आपके 1400 1450 सब्सक्राइबर मिलेंगे, वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है 1916, ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं। 1916 के लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता परिणाम क्या था? आराम से पढ़िए जवाब दीजिए बताइए। हैंग हो गया फोन बेटा, इतना जल्दी कैसे हैंग हो गया, हे भगवान। ठीक है आइए, एक के प्लेस पे जीरो होगा मतलब बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइए चलिए, बिल्कुल आइए याद रखिएगा सर, इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लिखित किया। ठीक है बिल्कुल, मॉडरेट्स, ठीक है यूनिफिकेशन ऑफ द मॉडरेट्स एंड द हार्ड लाइन कल्स। ठीक है आइए, नरमपंथी और गरमपंथी, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सिंपल क्वेश्चन है भाई, मुझे लगता है कि ठीक है अगर आपकी इच्छा हो तो 2-3 मिनट बैठ लूं भाई। ठीक है बिल्कुल 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 तृप्ति बेटा, ठीक है थोड़ा उसको रिफ्रेश कर लीजिए या रिस्टार्ट कर लीजिए, सही हो जाएगा। चलिए बताइए भाई, बिल्कुल सभी लोग भाई अगर इजाजत हो तो 2-4 मिनट बैठ ले भाई, अब बैठ तो लिए, हो सकता है भाई आपको बुरा लग गया होगा। ठीक है आइए नेक्स्ट सर, ये 1906 है, ठीक है याद रखिए। अली बंधुओं द्वारा खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? और आपको पता है खिलाफत आंदोलन भी संबंधित है, ठीक है मोहम्मद अली और शौकत अली इनसे संबंधित ही आता है। ठीक है और आपको पता है लाल कुर्ती आंदोलन भी इन्हीं से संबंधित है। ठीक है आइए चलिए, बिल्कुल सर ये आप याद रखिएगा, बॉम्बे इन 1919। चल अच्छा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान, श्रीनगर, कन्याकुमारी या लद्दाख, बताइए कहाँ पे स्थित है। चलिए ओके, सभी का जवाब आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है पुनीत बेटा पीछे चल रहा हो, कृपया रिफ्रेश कर लो अपने आप को। ठीक है और आगे आ जाओ मेरे साथ, लाइव आ जाओ बेटा। चलो आइए, बिल्कुल सर ये आपके कन्याकुमारी है। नेक्स्ट, राम पंथ के अग्रणी प्रकाश संत कवि थे, डैश थे, जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी, बताइए भैया। चैतन्य वल्लभाचार्य, तुलसीदास और निम्बार्क। अच्छा एक चीज और, शुरुआत आपकी हिस्ट्री से करें, देखो दो क्लासेस हैं, एक सुबह होती है बेटा 10 बजे, एक रात में 9 बजे। 9 बजे वाले में तो बहुत अच्छा टॉपिक आप शुरू करने वाले, स्टैटिक के जो 5 से 7 टॉपिक है ना वो आपको पहले कंप्लीट करेंगे, सुबह वाले में हम सोच रहे हैं टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दे। ठीक है हिस्ट्री से शुरुआत कर ले, पक्का तैयार हो सभी? चलिए जो मैं टॉपिक बताऊंगा वो तैयार करके आना, ठीक है यहाँ वैसे पोस्टमार्टम किया ही जाएगा उसका।
आइए बिल्कुल, रामपद के अग्रणी प्रकाश संत कौन कवि थे? तुलसीदास थे। ठीक है, आइए चलिए बिल्कुल। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध मतलब लिबरेशन वॉर एंडेड ऑन, ठीक है बताना है, समाप्त हुआ था, ये सब आपके मॉडर्न में चला आएगा। ठीक है, कुछ पोस्ट मॉडर्न का भी है। ठीक है आइए सर, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब कर, नहीं करवाने को तो सब कराएंगे, शुरुआत किससे करें? ठीक है, अच्छा एक काम करो, ठीक है मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है आपके लिए भी सुविधा रहेगी, सुबह 10 बजे क्लास में जो टॉपिक कराऊंगा, ठीक है बिल्कुल उसका उल्टा मैं रात में 9 बजे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैंने हिस्ट्री शुरू किया, ठीक है तो यहाँ पे मैं शुरू कर दूंगा आपकी ज्योग्राफी शुरू कर दूंगा, तो इससे होगा क्या, इंटरचेंज मैं कर दूंगा जिससे आपको दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी और समय से आपकी तैयारी हो जाएगी, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही है। ठीक है आइए बिल्कुल सर, ये याद रखिएगा, ये क्या है आपके साथ, 16 दिसंबर 1971, कल इस पे चर्चा हुई थी। ठीक है, न डैश न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, कौन था? ये क्वेश्चन काफी लोग गलत करेंगे, सिरी मावो भंडारनायक, उपेक्षा स्वर्णमाली, रोजी सेनानायक है या चंद्रिका कुमार तुंगा? हाँ बिल्कुल, अच्छा डाटा खत्म हो गया, ओके बेटा सुनील सभी एग्जाम के लिए उचित है बेटा, जीके में थोड़ी ना बदल दोगे, प्लासी का युद्ध थोड़ी ना बदल दोगे तुम, ठीक है तो सभी एग्जाम के लिए कर सकते हैं आप, ठीक है कोई नहीं दिक्कत है। आइए बिल्कुल सर, श्री मावो भंडार नायके, नेक्स्ट। अच्छा बताइए, जोरवे कल्चर एक चारकोलिथिक पुरातत्व तो स्थल है जो वर्तमान में भारतीय राज्य डैश में स्थित है, असम महाराष्ट्र गुजरात या बिहार, बताइए। ओके ठीक है बताइए, चलिए बिल्कुल सर ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है, नेक्स्ट। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? ठीक है आई थिंक ये आपका ये वाला क्वेश्चन कल भी हुआ था, ठीक है ये पोस्ट पोस्ट हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का। आइए गलत मत करिएगा, ये क्वेश्चन कल मैंने कराया था तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का, सभी लोग थोड़ा सा लाइव आ जाओ, ठीक है लाइव के पीछे चल रहे हो आप भाई, ठीक है और मैं तो बेटा लाइव तो मेरा दिख रहा है मेरी तरफ से, तो मेरी तरफ से तो इश्यू तो नहीं आना चाहिए। आइए बिल्कुल चलिए बिल्कुल आपका आ रहा है, बिल्कुल सर ये मानिक शॉ थे, नेक्स्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे भाई? 1971 का जब युद्ध हुआ था रक्षा मंत्री कौन थे ये आपको बताना है, ठीक है यशवंत राव चौहान, इंदिरा गांधी, शिवराज सिंह या जगजीवन राम? चलिए बिल्कुल याद रखिएगा सर, ये आपके जगजीवन राम थे, ठीक है नेक्स्ट। किसी विशिष्ट कारणों से पिंगली वैकेया को आज भी जाना जाता है, बताइए भाई ये क्या ऐसा काम कर दी थी उन्होंने, राष्ट्रगान के लिए संगीत की रचना की थी, गोवा को मिलने में मदद की थी, ठीक है मिलाने में उन्होंने भारतीय राष्ट्र ध्वज को डिजाइन किया था या उन्होंने हैदराबाद को मिलाने से सहमति की थी, आपको पता उनके नाम पे एक डाक टिकट भी जारी किया गया है, बताइए वो कौन थी? ओके बिल्कुल कौन थे भैया वो, तो बिल्कुल सर ये याद रखिएगा कि सर ये आपके भारतीय जो राष्ट्र ध्वज जो उनकी डिजाइन को तैयार किया था इन्होंने, नेक्स्ट। अफीम युद्ध ब्रिटिश तथा डैश के बीच में लड़ा गया था, काफी लोग इसको गलत करेंगे पक्का मुझे पता है, ठीक है तो इसमें कुछ मैंने पोस्ट मॉडर्न इंडिया के भी क्वेश्चन डाले हैं या हिस्ट्री के भी जिसको आपके पेपर में आते रहते। आइए बिल्कुल सर ये आपके किसके सर लड़ा गया था, चाइना, ठीक है आइए। कौन सा भारतीय जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक है? फॉलोइंग इज वाज वन ऑफ फाउंडर ऑफ डार्टिंगटन हॉल स्कूल इन जापान, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर? ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं कि कौन हो सकते हैं इन चार ऑप्शन में से, थोड़ा सा भी अगर आपको दिमाग होगा तो ऑप्शन से ही आप पकड़ सकते हैं कि कौन हो सकते हैं, ठीक है बताइए। चलिए कुछ लोग टैगोर कह रहे हैं कुछ लोग बोस कह रहे हैं भाई, चलिए सभी का अपना अपना है, ठीक है तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि बेटा अगर स्कूल की बात अगर आपसे कभी कही जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को आप लगा सकते हैं, ठीक है कला की बात है तो अवनींद्रनाथ टैगोर को अगर जैसे ऑप्शन नहीं पता है तो आप उनको लेके चलें, ठीक है आइए। जिसने भारत में पुर्तगाली शासन का अंत किया था भाई बताइए,
आत्मसमर्पण की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था जिसने भारत में पुर्तगाली शासन का अंत किया था? बताए भाई कौन सा ऐसा समय था, 1961, 1947, 1951 या 1948? ग्रेट पोएट टैगोर, बिल्कुल बेटा। देखो बाकी बच्चे कितने थक गए, ठीक है, जिनमें से काफी बच्चे हैं, ठीक है। प्रशांत तो मुझे उम्मीद है कि जिंदा होगा, जरूर जिंदा होगा, ठीक है। और काफी लोग, चले जिंदा है, ठीक है, प्रशांत जिंदा है, अनन्या तो जा चुकी होंगी, ठीक है। और मुझे कौन कौन, एक सचिन थे, सचिन तो वैसे भी भाई उनका नेट खत्म हो गया था सर, ठीक है। अरे कलाकार बहुत है भैया, ठीक है भैया, कलाकार बहुत है। आइए, बिल्कुल, पूजा कुमावत, हाँ है भाई। पूजा तो आज बहुत देर देर तक रुकी रही, क्या बात है पूजा बेटा, खाना ना खा लो बच्चा, भूख लग गया होगा तुम्हें। आइए, बिल्कुल, काजल भी देखो बहुत देर आज रुक गई, ठीक है, आइए चलिए, बिल्कुल। अच्छा, चेरियल स्क्रॉल भारत का एक विलुप्त होता हुआ कलारूप है जिसका अभ्यास नकाशी परिवार नामक एक परिवार के द्वारा कई पीढ़ियों से किया जा रहा है। उस आधुनिक राज्य का नाम बताए जहां का यह कलारूप है। क्वेश्चन समझो फिर बताओ, ठीक है। चलो भाई खा लिया भाई, गजब, मतलब क्या तुम लोग की स्पीड है भाई, क्लास करते करते भी खाना खा लेते हो यार, ठीक है, और आंसर भी दे लेते हो, मतलब मानना पड़ेगा भाई। चलिए, अरे इसका जवाब दो अब, ठीक है, अब हो गया, इसका जवाब दो फटाक से। चलो चलो बेटा, आइए, तेलंगाना है बेटा ये। नेक्स्ट, जो डिनर कर रहा है बहुत अच्छे बेटा, अरे नहीं, खाना समय से खा लिया करो। किसने नित्य तथा संबंध अनुशासकों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की थी? कलाश्रम की बात पूछी गई है भैया, शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी या लक्षू महाराज, बताइए। सब ये पोस्ट मॉडर्न के क्वेश्चन है, ठीक है। अरे भाई गजब भाई, अंकित, मतलब सब कलाकार है भाई हमारे क्लास में, ठीक है। अरे रुखसाना भी क्लास में, यार कितने मेहनत की, देखो राजमन सोनी चले गए होंगे धीरे से, मैंने बोला था ना ये लोग भाई, और रेयान भी चले गए होंगे, क्यों? क्योंकि इनको भैया ये लोग राजयोग है इनके जीवन में। आइए, पंडित बिरजू महाराज है ये। आइए नेक्स्ट, निम्न में से किसने पहली बार भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? जॉर्ज यूले, विशेंट ऑर्थर स्मिथ, मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंस, ठीक है, भगवद गीता का भाई ये देख लेना, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस थे ये। आइए, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे? वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा या चरण सिंह, कौन बने थे? डाटा खत्म हो गया क्योंकि सुबह से क्लास चलती है, बिल्कुल तनु बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, आइए। हाँ बिल्कुल बेटा, 5 बार हो चुका है, अब तो याद भी हो जाएगा आप लोग को, उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, ये सर गुलजारी लाल नंदा थे। आइए, और आपको पता है ना इसके बाद कौन? सर मोरारजी देसाई, रोलिंग प्लान, ठीक है, 66-69, नेहरू लियाकत समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किया गया था? 22, 47, 49, 48 या 50, बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे हमारे लाल लालियों। बिल्कुल याद, ये देखिएगा, बिल्कुल सर 1950 में किया गया था। अच्छा, डैस ने बाल चरखा संघ की स्थापना की थी जहां बच्चों को कटाई व बुनाई सिखाया जाता था? सरोजनी नायडू, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी, भाई कौन ऐसे थे ये? बताओ भाई सभी लोग। ओके, रागिनी भी बहुत देर तक आज क्लास में रह गई। चलिए, बिल्कुल सभी को पता है भाई ये कौन थे? सर ये इंदिरा गांधी थी, नॉट महात्मा गांधी। देखिए बिल्कुल यार, डॉली का पूरा तैयार है प्रीवियस ईयर, बेटा तुमने पूरा प्रीवियस ईयर रट डाला है क्या एकदम? ठीक है बिल्कुल भाई, मतलब हाँ, आयरन लेडी, बिल्कुल, वक्रम पुनीत, ठीक है, मतलब जबरदस्त, मतलब लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पूरा रट डाला है, अच्छा है, ठीक है। आइए, राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, आइए, सही है बेटा, बढ़िया है, चलो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, ये बताइएगा राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में कब स्वीकार किया गया था? 50, ठीक है, मतलब 24, 26, देखो राष्ट्रगान की बात पूछी जा रही है, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को सर ये स्वीकार किया गया था।
ठीक है, बहुत अच्छे। आइए, फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में भारत का एक केंद्र शासित बना था, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी या लक्षद्वीप, कौन सा बना था भाई, ये बताना है आपको। चलिए चलिए, ये कुछ डेट हैं जो याद रखने बहुत जरूरी हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो चलिए बताइएगा। चलो थोड़ा 1 मिनट वेट करना, बस 1 मिनट, ठीक है। देख लो भाई, सारी चीजें क्लियर है ना। चलिए बताते रहिए सभी लोग जवाब, ठीक है, आप अपना काम करते रहो। चलिए ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, वो दूसरे चैनल पे भी क्लास चल रही थी ना, तो मैं वही चेक कर रहा था। बेटा आप लोग ना टेक्स्ट बुक डिफेंस पे सभी लोग आ जाए करिए, ठीक है। ठीक है, आई बिल्कुल बेटा, रुक गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल सर, ये आपका पुडुचेरी है। देखो भाई, जो जो भी बच्चे देख रहे हैं दूसरे चैनल पे क्लास, ठीक है, वो सभी आप, ठीक है, टेक्स्ट बुक डिफेंस चैनल पे क्लास आ जाया करिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक डिफेंस पे आ जाया करिए, ठीक है। कुछ लोग आपके CDS CAPF पे हैं, ठीक है। बेटा मैं कमेंट ना आपका इसी चैनल का देख मतलब देखता रहता हूँ, ठीक है, आपके डिफेंस का, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय युवा महोत्सव निम्न में से किस व्यक्ति के जन्म दिवस को मनाने के लिए मनाया जाता है? मिल्खा सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद। आइए चलिए, क्या हो गया, देख ले भाई, उस चैनल पे भी हमारे लाल लालियों देख ले भाई, उन किसी के कमेंट्स आते रहते हैं ना बच्चों के। चलिए ओके ओके, ठीक है, चलिए ओके ठीक है, आ बेटा, चलो बिल्कुल, चल बिल्कुल सर, याद रखिएगा, ये तो सिंपल है भाई, स्वामी विवेकानंद। अच्छा, द पेंटिंग माई मदर वॉज मेड बाय, पेंटिंग जो माई मदर किसके द्वारा बनाया गया था? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, या देवेंद्रनाथ टैगोर, या बंकिम चंद चटर्जी, बताइए किसके द्वारा बनाया गया था। बारह जनवरी को, बिल्कुल बेटा, आइए बिल्कुल। नरेंद्र सिंह कौन है बेटा? नरेंद्र नाथ दत्त नाम महाराज। आइए, अवनींद्रनाथ टैगोर। दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया जा गया था? ठीक है ओके ओके, दमयंती चित्र बताइए, राजा रवि वर्मा, कालिदास जोहान जोफानी, या अवनींद्रनाथ टैगोर, बताइए। आइए बताइए, बिल्कुल याद रखिएगा कि सर ये आपके राजा रवि वर्मा द्वारा। नेक्स्ट, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, अग्नेश गोंकसे, बोर्शियु, आइलिन मैथ्यू, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, या मेडलिन स्लेट। चलिए बिल्कुल, ये याद रखिएगा सर, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, ठीक है। आइए, किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? ठीक है, मट्टनचेरी महल, हवा महल, मैसूर, या ले महल, बताइए आपके भैया, डच पैलेस के रूप में जाने जाने लगा, ठीक है। चलिए आइए बताइएगा, बिल्कुल सर, ये आपका कौन सा, मट्टन चेरी महल को आपके द डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा। भारत के लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, वल्लभ भाई पटेल, या जवाहरलाल नेहरू, बताइए किसे जाना जाता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा, लौह पुरुष के, भाई सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये गलत मुझे पता है आप नहीं करोगे, अगर गलत कर दिए तो मैं तुम्हें अब भैया भगवान भी नहीं बचा सकता, हम तो भैया इंसान हमारे लोग। चलिए बताते चलिए सभी लोग, सभी लोग पटेल साहब, पटेल साहब, अरे यार मतलब पटेल साहब नहीं करें भाई, वल्लभ भाई पटेल भाई, ठीक है आइए। अच्छा, इन निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? भाई सिंपल है, ठीक है,
इन्हीं के द्वारा आपको पता सर्वोदय प्लान दिया गया था, ठीक है, सर्वोदय प्लान। और आपको पता है सर्वोदय प्लान की जो अगर हम बातें कुछ आपसे कर देंगे, भैया सर्वोदय प्लान आखिर ये क्या था, कैसे था, तो आपको पता है सर्वोदय के प्लान ही प्लानिंग कमीशन भी बना था। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आपके जयप्रकाश नारायण जी को बोला जाता है। अच्छा, झांसी की रानी मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या उज्जैन? बताइए, बताओ भाई। बताओ, बिल्कुल याद रखिएगा सर, ये ग्वालियर है। नेक्स्ट, किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया था? अच्छा क्वेश्चन है भैया, सिराज गोपालाचारी, तिलक, CR दास या महात्मा गांधी? ये क्वेश्चन काफी लोग गलत करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये CR फॉर्मूला दे दिया है और CR फॉर्मूला से काफी लोग बहक जाएंगे और गलत कर देंगे। ओके, अमन गुप्ता, बिल्कुल अमन बेटा, बिल्कुल तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, 9 बजे तुम्हारी अग्निवीर की ही क्लास होती है। आइए, सभी का आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सी राज गोपालाचारी लगाना, CR फॉर्मूला देख के कभी CR दास मत लगा देना, ठीक है। आइए, डैश को 1913 में नोबल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था, ठीक है, किसे? सरोजिनी नायडू को, महात्मा गांधी को, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, और उसके बाद जलियांवाला बाग के बाद ये वापस भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए बताओ भाई। अरे कांग्रेस और मुस्लिम लीग से संबंधित था बेटा, ठीक है, चलिए बताओ। चलिए, बिल्कुल याद रखिएगा सर, रविंद्रनाथ टैगोर थे ये, याद रखिएगा। चलिए, 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति EPC के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा अच्छा क्वेश्चन भाई, बताइए, पुरुषोत्तम दास, ठीक है, या जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, कौन थे ये? चलो बताओ। चलिए, अब आपके क्वेश्चंस बस कंप्लीट होने वाले हैं, मेरे हिसाब से कुछ ही क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, आइए, ज़्यादा नहीं, बस आपके कुछ ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आई थिंक आपके 10 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन हैं आपके। चलिए, बिल्कुल सर, ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट, मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन संसद को संबोधित करने वाले वक्ताओं में से एक थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सिराज गोपालाचारी या सर्वपल्ली राधाकृष्णन? बताइए, बताओ भैया। चलिए, बिल्कुल याद रखिएगा सर, आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। आइए, हैदराबाद का रियासती राज्य वर्ष में भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ठीक है, हैदराबाद का बताना आपको। द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद वॉज ब्रॉट अंडर द इंडियन यूनियन इन द ईयर 50, 52, 48 और 63, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग बताएं, बिल्कुल 1948 से सभी। नेक्स्ट, किसने पहली बार भगवत गीता का भाई है भगवान? चार्ल्स विल्किंस है भाई, इस पे ज्यादा नहीं दिमाग लगाएंगे, बार बार वही क्वेश्चन। भारत में पहली कपास मिल की स्थापना 1854 में कताई मिल के रूप में की गई थी, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा? बताइए, ठीक है, 6 बार भैया, आप लोग को तो अब भूलेगा नहीं कभी, चार्ल्स विल्किंस तो सपने में भी आपको तड़पाते रहेंगे, आते रहेंगे, ठीक है। आइए, बिल्कुल सर, ये कौन है सर? ये आपके बॉम्बे है, ठीक है। नेक्स्ट, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? ठीक है, बताइए, सरफराज खान, ठीक है, सुजाउद्दीन, मोहम्मद खान, सिराजुद्दौला या मीर जाफर? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, ये पूछा गया आपसे। के चलिए, बिल्कुल सर, ये बने थे आपके सिराजुद्दौला बने थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, चलिए, गुरु गोविंद सिंह सिख के डैश गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह की बात आपसे पूछी जा रही है, कौन से गुरु थे आपके? बताइए, चलो सभी लोग बताओ।
आइए, बिल्कुल सर, ये आपके 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। आइए आगे बढ़ते हैं। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अराशु की शुरुआत किसने की थी? चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती, टी एम नैयर, ठीक है, पेरियार ईवी रामा स्वामी, या सी नातेशा मुदालियार? बताइए भाई, चलो बताओ। चलिए बिल्कुल याद रखिएगा सर, आपके पेरियार ईवी रामा स्वामी जी थे, ठीक है। ऑप्शन स्वीकारा, बिल्कुल सी स्वीकारा, बहुत अच्छे, ठीक है। अरे विवेक भी बीच में गायब था, ठीक है। एचिशन आयोग 1886 को किसमें सुधारों के लिए सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? सशस्त्र बल, भारतीय न्यायिक प्रणाली, भारतीय नागरिक सेवाएं, रियासतों का प्रशासन? बताइए भाई। चलो बिल्कुल याद रखिएगा सर, ये किससे संबंधित था? ये आपके इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय नागरिक सेवाओं से संबंधित था। चलो नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रीय गीत को किस उपन्यास में रेखांकित किया गया? भैया राष्ट्रीय गीत की बात आपसे पूछी गई है, सभी लोग बताएं। सेवा सदन, देवी चौधरानी, आनंद मठ, या दुर्गेश नंदिनी? ये देखते हैं। चलिए ओके, सभी लोग बताएं, सभी लोग का जवाब जबरदस्त, ठीक है। अच्छा ये देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन आता है, नील दर्पण का किसमें उल्लेख किया गया है? सॉरी, नील विद्रोह का किसमें उल्लेख किया गया? तो सर नील दर्पण में किया गया, ठीक है। चलिए बंकिम चंद चट्टोपाध्याय, बहुत अच्छे। आइए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2019 विश्व रग्बी, हे भगवान, लियो भैया ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये भी आपका बॉम्बे है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट, चलिए आपका कंप्लीट होता है, अग्निवीर वायु का आज ये लास्ट डेट है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। पास भी मुफ्त मिल रहा है 269 रुपये में, कोर्स प्लस पास, ठीक है। CAPF, CDS, FCAT, इन सभी में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। NDA के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए, CDS, CAPF, FCAT, अग्निवीर, सारे के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स भी आपको दिए जाते हैं, ठीक है। वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट, डेली लाइफ क्लासेस, ठीक है। 11,000 ज़्यादा सिलेक्शन भी दिए जा चुके हैं, तो 6,665 का कोर्स सुशांत कोर्ट का यूज़ करके आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये आप हमारे साथ जुड़े और क्लास आपकी डेली मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपकी जो एफ कैट की प्योरली क्लास चल रही है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, सुबह आपकी क्लास चलती है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 9 बजे आपको यहाँ पे स्टैटिक के इस समय क्वेश्चन चल रहे हैं। तो कल जो मैं आपको कराने वाला हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम की चर्चा होगी, ठीक है। तो सभी लोग पढ़ के आए, 100 क्वेश्चन रहेंगे, अपना मिला लीजिएगा आपने कितना क्वेश्चन सही किया, ठीक है। क्या हुआ, हाँ कल 2022 और 21 दोनों का पेपर होगा बासु, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद सभी को, ठीक है। चलिए ओके ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल। बाय बाय एंड थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलो तब तक के लिए धन्यवाद।